Welcome students, once again class 9 mathematics ke saath, chapter number 1, exercise 1.3, question number 8, jisme humne part number 3rd aur 4th ko solve karna hai. Part 3rd mein humne A plus A transpose ko symmetric show karna hai aur part number 4 mein humne A minus A transpose ko skew symmetric show karna hai. So now coming toward part number 3rd. पार्ट सिमेट्रिक हमें पता है कि सिमेट्रिक के लिए भी शो दैट हमने इस बात को प्रूफ करना होगा कि a plus a ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज होगा वो वापस बराबर होगा हमारे पास a plus a ट्रांसपोज की. बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक कि a ट्रांसपोज हमारे पास वापस a के बराबर हो. सबसे पहले हम यहां से a plus a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1201 और यहां भी हमने a की वैल्यू लगा दी लेकिन उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज ले लिया. ट्रांसपोज इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स तो अपनी जगह पे आ जाएगा लेकिन इसमें हमारे पास जो रो होगा उससे कॉलम बन जाएगा और इससे भी हमारे पास कॉलम बन जाएगा. नाउ अभी हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो करेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड करेंगे 1+1 हमें यहां पर रिजल्ट 2 आ जाएगा. 2+0 से हमारे पास 2 आ जाएगा. 0+2 से इससे भी हमारे पास 2 आ जाएगा और 1+1 से हमारे पास इधर भी रिजल्ट हमारे पास 2 आ रहा है लेकिन हमने यहां पर a plus a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है तो इसी वजह से हम इसका दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेंगे. सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया. ट्रांसपोज लेने के बाद हम ये ट्रांसपोज यहां पर अप्लाई करेंगे. ट्रांसपोज अप्लाई करने के बावजूद भी इस मैट्रिक्स पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. ये वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया a plus a ट्रांसपोज. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने a और a ट्रांसपोज को प्लस करके उसका ट्रांसपोज भी दे लिया लेकिन ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी उस मैट्रिक्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा. तो दैट्स व्हाई जो a plus a ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास बन जाएगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा. पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन की तरह है. यहां पर हमारे पास a था और यहां पर हमारे पास b होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स a की जगह b को लेकर इसी मेथड को फॉलो करेंगे और हमने अपने इस सवाल को भी सिमेट्रिक शो करवाना होगा. नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 हम 4 नंबर पार्ट की तरफ आ जाते हैं. तो पार्ट नंबर 4 में हमने स्क्यू सिमेट्रिक को शो करना है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें कंडीशन पता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने a ट्रांसपोज और अगर हम a का ट्रांसपोज ले और अगर a के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड का आंसर हमारे पास सेम होगा लेकिन यहां पर हमने ये बात शो करनी है कि a minus a ट्रांसपोज हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है. तो इस पर्पस के लिए हमने यहां पर इस बात को शो करना होगा कि a minus a ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो बराबर है जब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का जो आंसर होगा लेफ्ट और राइट का वो हमारे पास इक्वल होगा. तो हम सबसे पहले यहां पर a minus a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. a की वैल्यू भी हमारे पास यहां मौजूद है और यहां पर a ट्रांसपोज भी हम फाइंड करेंगे तो a ट्रांसपोज से हमारे पास जो इस मैट्रिक्स का जो रोज होगा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में रिप्लेस हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम रो में रिप्लेस हो जाएंगे. अब यहां पर हमने इन दोनों को माइनस करना है. एडिशन और सबट्रैक्शन का रूल हमारे पास क्योंकि एक ही था करेस्पोंडिंग एलिमेंट को या ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमने इस करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में सबट्रैक्ट करना होगा. 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा. 2 से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा. 0 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा और 1-1 से हमारे पास 0 आ जाएगा. हमने भी तरतीब यहां पर करेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आपस में सबट्रैक्ट करवा दिया. पहले से पहले को माइनस किया तो 0 आ गया. 2 से 0 को माइनस किया तो 2 आ गया. 0 से 2 को माइनस किया तो -2 आ गया और यहां पर हमारे पास 0. लेकिन हमने तो होल ट्रांसपोज इसका फाइंड करना है तो इस पर्पस के लिए हमने यहां पर दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे. सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स यहां भी ट्रांसपोज ले लेंगे और यहां भी ट्रांसपोज ले लेंगे. अब इस साइड पर हमने इस ट्रांसपोज को अप्लाई करना होगा. हम जब भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे
तो जो रो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम्स होंगे वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर 0 - 2, 2 and 0। अब यहाँ पर हम एक आसान मेथड चूज करवा रहे हैं और वो मेथड हमारे पास ये है कि हम इसमें जो राइट हैंड साइड है हम यहाँ से माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। हम जब भी किसी भी जगह से नेगेटिव साइन को कॉमन करते हैं तो इसका इफेक्ट नंबर पर ये पड़ता है कि जो साइन प्लस होगा वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा। माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास जीरो तो न्यूट्रल इंटीजर है तो इसी वजह से यहाँ पर जीरो पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने यहाँ से नेगेटिव साइन को कॉमन कर लिया तो ये साइन जो था ये प्लस बन गया और ये प्लस था तो ये हमारे पास माइनस बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस तो यहाँ पर बाहर आ गया हमारे पास, माइनस तो हमने कॉमन कर लिया, लेकिन ये जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ये बराबर है हमारे पास वापस ए माइनस ए ट्रांसपोज के। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें तो ये दोनों हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है और ये बराबर है हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज था वो बराबर था माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज के। तो जब भी हमारे पास इस किस्म की पॉसिबिलिटी आ जाए जिसमें हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के, लेकिन यहाँ तो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज था तो हमने इसका ट्रांसपोज लेकर और यहाँ पर फिर उसी के साथ यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आ रहा था। सो हिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। अब पार्ट नंबर 6 हमारे पास सेम टू सेम हमारे पास इसी सवाल की तरह इसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, जो फर्क आ रहा है वो बी का आ रहा है। तो हमने ये जो पार्ट है आप लोगों ने इसको एज असाइनमेंट हल करना होगा इसी मेथड को देखते हुए, इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए। सिर्फ आप लोगों ने एक ही जगह मैट्रिक्स बी लगाना होगा। यहाँ पर एक और चीज भी याद रखें स्क्यू-सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू-सिमेट्रिक में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जीरो होते हैं, इसी वजह से ये हमारे पास स्क्यू-सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास स्क्यू-सिमेट्रिक बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक को समझा होगा और इस पर आप लोगों ने यही दो सवाल जो पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है इसको आप लोगों ने हल करना होगा और इस पर ट्राई करना होगा। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए मेथड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।